मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी देश के मिनी मुंबई को विकास के नए आयाम पर ले जाने के लिए मैदान संभाल लिया है। जहां इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गांधीनगर क्षेत्र का दौरा कर सड़क के चौड़ीकरण का जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभाला मैदान। गांधीनगर क्षेत्र का महापौर ने किया निरीक्षण। क्षेत्र के लोगों से महापौर ने की बात। सड़क के चौड़ीकरण का लिया जायजा। एमपी में मोहन सरकार बुलेट ट्रेन की तरह काम कर सबको चौंका रही है, तो वहीं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी मोहन सरकार की तर्ज पर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। जहां इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज सुबह सुबह अपने ही अंदाज में गांधीनगर क्षेत्र का दौरा किया, जहां महापौर ने सड़कों पर उतरकर साफ सफाई को देखा, तो वहीं क्षेत्र के लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान महापौर ने सड़क के चौड़ीकरण का जायजा भी लिया। देखिए, गांधीनगर अब इंदौर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ मेट्रो है, पितरेश्वर हनुमान जाने का ये रास्ता है और गांधीनगर का डेवलपमेंट शहर के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए चुनाव के पहले गांधीनगर की जो मेन रोड है उसको 18 मीटर बनाने का टेंडर किया था। उसकी एजेंसी अब लगभग तय हो गई है, तो काम शुरू करने के पहले यहाँ दौरा किया है। दौरा करके सभी व्यापारियों से मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि वो स्वेच्छा से जो टेम्परेरी अतिक्रमण है वो हटा लें, ताकि ये काम अब शुरू हो सके और लगभग 11 महीने में हम इसको पूरा करेंगे। इसमें स्टॉर्म वाटर लाइन रहेगी, 18 मीटर का पूरा इसका कैरेज वे इसका 13 का रहेगा, फुटपाथ रहेगा दोनों तरफ। तो ये गांधीनगर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जल्दी चालू करके हम 11 महीनों में ख़त्म करेंगे। रोड आगे से बड़ा रहे, लेफ्ट टर्न उसके चौड़े रहे, उसमें आवश्यक होगा तो सबकी सहमति के साथ मूर्ति को भी शिफ्ट करेंगे और ट्रैफिक में बाधा नहीं हो, इसके लिए जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव इन दिनों सड़कों पर उतरकर साफ सफाई के साथ इंदौर के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।